आज हम रीना रसोई में बना रहे हैं चने की एक मजेदार सब्जी। अगर आपके पास घर में कोई सब्जी नहीं है, चने थोड़े से भी हैं, तो आप इससे सब्जी बना सकती हैं। इसके लिए हमने ये चने भिगो दिए थे, दो दिन पहले भीग रहे थे। आज कोई सब्जी नहीं थी, आज हम इससे आपको एक बहुत ही मजेदार सब्जी बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए हम दो टमाटर लिया है, दो प्याज लिए, थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, थोड़े से हम स्पाइस भी लेंगे। सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखिए दो टमाटर हमने लिए हैं, इनको हम मिक्सी में डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। अगर बड़ा प्याज है तो आधा लीजिएगा, छोटा प्याज है तो एक लीजिएगा। और एक इसमें हम लाल मिर्चे का प्रयोग कर रहे हैं और एक चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप अदरक लहसुन को छील कर भी डाल सकते हैं। एक बढ़िया सा हम पेस्ट बनाकर इसका तैयार करेंगे। टमाटर प्याज का देखिए पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी जार का हम फिर प्रयोग करेंगे। हम इसमें एक छोटी कटोरी ये चना है, चना ले लेंगे और इसमें अदरक, ये इसमें चार कली लहसुन है और आधी इंच अदरक है और थोड़ा सा इसमें हम प्याज डालेंगे और एक सूखा लाल मिर्चा डालेंगे और इसमें हम पानी का ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। एक पीस कर हम आपको एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर दिखाएंगे। अब इसको कवर करके मिक्सी करेंगे। कितना बढ़िया सा पेस्ट देखिए हमने बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसको अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से इतना महीन होना चाहिए। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, फिर हम चलते हैं दूसरे अगले प्रोसेस की तरफ। चने की रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल है। अब तेल हमारा देखिए अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें 1-2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 1 सूखा मिर्चा डालेंगे, 2 तेजपत्ता डालेंगे और 4-5 काली मिर्च के दाने डालेंगे। आप लाल मिर्चे की जगह हरे मिर्चे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये मसाले हमारे थोड़े से भुन गए हैं। अब हम इसमें अपना प्याज डालेंगे और प्याज को हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे सब्जी का कलर बहुत सुंदर आएगा और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। अब इसके बाद हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा है उसको डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। आँच को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा। अब इस पेस्ट को डालकर हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। जब इसमें पूरी तरह से मसाला पक जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तब आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे इसलिए नमक थोड़ा सा ज्यादा डालिए। हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइस डालेंगे जिससे सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आंच को हमने मीडियम कर दिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले खूब अच्छी तरह से भून जाएं। इसके लिए जो हमने इस कटोरे में टमाटर का पेस्ट रखा था, इसको हम जरा सा पानी 2-3 चम्मच करके डालेंगे और मसाले को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। अब चने का जो हमने पेस्ट पीस कर रखा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम मसाले में ग्रेवी में भी नमक डाल चुके हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे।
मसाला हमारा खूब अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए इसमें से ऑयल छूटने लगा है। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। हम थोड़ी सब्जी बना रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और जब ये खूब अच्छी तरह से बॉयल होगा तब हम आपको बताएंगे कि आगे हमको क्या करना है। मसाले की ग्रेवी हमारी खूब तरह से उबलने लगी, खूब तेज। इसी तरह जब खूब अच्छी तरह से उबलने लगे तब आप इसके पकौड़ियाँ डालिएगा। हम इसको देखिए ना सैलो फ्राई कर रहे हैं ना डीप फ्राई कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। अब इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे से बॉल बनाकर डालेंगे। मसाले को खूब अच्छी तरह से बॉयल्ड होना चाहिए। अभी थोड़ी देर हम इनको टच नहीं करेंगे, अब 1 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट हमने तेज आंच पर कवर करके पका लिया था। ये पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। अब इसका कवर हटाकर हम देखते हैं, वाव कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें थोड़े से हम हरी धनिया का प्रयोग करेंगे और गर्म गर्म इसको रोटी पराठे के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया यूनिक रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।